नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज दिनांक 22 मई 2021, शिक्षा जगत के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। बढ़ सकती है बच्चों की छुट्टियां, 7 जून से क्लास नामुमकिन। RAS 2018 3 साल में भी पूरी नहीं हो सकी भर्ती। अब साक्षात्कार और भर्ती के बीच अड़चन बना कोरोना संक्रमण। प्रारंभिक मुख्य परीक्षा तक याचिकाएं, कोरोना संक्रमण से अटके साक्षात्कार, परिणाम निरस्त करने की याचिकाएं। नागौर पूरे प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शुमार। स्कूल बंद रहे पर विकास पर रहा सबका ध्यान। कोरोना काल में सरकारी स्कूल हुए मालामाल। रोजाना मिले औसत 10,000। स्कूलों की दशा सुधारने में नहीं छोड़ी कसर। वर्ष 2020-21 में रोजाना 10,000 रुपये से अधिक का सहयोग। विकास के लिए हर आम भामाशाह ने जमा कराई राशि। सरकारी पाठशालाओं में रखा 934 मेट्रिक टन खाद्यान्न बांटने के नहीं आदेश। लॉकडाउन के चलते अचानक लॉक हुई स्कूलें, यूं ही रह गया बच्चों को बंटने वाला अनाज। अधिकारियों के लिए बना सिरदर्द अनाज, चूहों व अन्य कीटों के द्वारा चट करने का डर। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को नियमानुसार निर्धारित मात्रा में मिलता है गेहूं व चावल। जिले में 1 लाख से अधिक लाभार्थी। कोरोना में अब हुआ पोषाहार अनलॉक। नौनिहालों को मिलेंगे गेहूं चावल। जिले में नियुक्त होंगे 20 हेल्थ कंसल्टेंट व 659 स्वास्थ्य सहायक डूंगरपुर। 45 लैब टेक्नीशियन का भी होगा चयन। 25 मई को वॉक इन इंटरव्यू। कोरोना वॉरियर्स बने शिक्षक, सुरक्षा उपकरण तक नहीं मिले। अलवर स्कूलों में लगे पेड़ पौधों की होगी सार संभाल। निर्धारित मानदेय पर रखे जाएंगे जरूरतमंद लोग। श्रीगंगानगर पत्रिका ने उठाया था मुद्दा, फ्रंटलाइन वर्कर होंगे शिक्षक, प्राथमिकता से लगेगी वैक्सीन। जयपुर कोरोना काल में विद्यार्थी करेंगे वर्चुअल भारत भ्रमण, देखो अपना देश कार्यक्रम। दृश्य श्रव्य माध्यम से समझा रही टीम, बच्चों के व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे लिंक। श्रीगंगानगर प्रदेश भर में नियुक्त होंगे स्वास्थ्य सहायक, भर्ती से बेरोजगारों को राहत। शहर के हर वार्ड में 2 कोविड सहायक, कलेक्टर की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। जयपुर कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी, इस सप्ताह सरकार लेगी फैसला। राज्य में अभी संक्रमण दर 20%, 5% होने पर अनलॉक की उम्मीद। किसानों और मनरेगा श्रमिकों को मिल सकती है राहत। RTE के रुके भुगतान जारी करवाने की मांग, छबड़ा। कांस्टेबल भर्ती में खाली पदों को लेकर मांगा जवाब। जयपुर शिक्षकों की ओर से एकत्रित राशि से दाता रामगढ़ इलाके के कोविड सेंटरों में बढ़ाई जाएगी सुविधा। कोरोना के इंतजामों को हाफते हुए देखा तो शिक्षकों ने निभाया धर्म, एकत्रित कर दिए 12,21,000 रुपये। शिक्षकों की राशि से दातारामगढ़ इलाके के कोविड सेंटरों में बढ़ाई जाएगी सुविधा। विधायक वीरेंद्र सिंह व CBEO की पहल पर जुटाई राशि। शिक्षकों की मांग पूरी, मंत्री ने किया ट्वीट, अब लगेगी वैक्सीन। माध्यमिक शिक्षा के कार्मिकों को लग सकेगी वैक्सीन। सीकर 3,591 पदों के लिए करे आवेदन, RTI की डिग्री दिलवाएगी। रेलवे में सरकारी नौकरी। जयपुर ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 25 मई 2021, आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2021। शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल के साथ संबंधित ट्रेड में ITI पास होना जरूरी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के 7,236 पदों पर निकली भर्ती। पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, 10वीं पास युवा भी पा सकेंगे सरकारी नौकरी। एग्जाम गाइड जिसमें मिलेंगे 10 प्रश्न, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से संबंधित उत्तरमाला के साथ विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी। कोरोना प्रभाव फिर से स्थगित हुए ओपन स्कूल के व्यक्तिगत संपर्क शिविर। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए लंबा हो इंतजार, परीक्षाओं पर भी होना है निर्णय। इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 30 सितंबर तक भर सकते हैं रिटर्न। बैंक खाता से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चंद मिनटों में इस तरह बदले, नई दिल्ली। आसान सी ट्रिक। अभिभावकों में आक्रोश, न सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू, न फीस एक्ट। मनमानी फीसों को लेकर मिल रही है धमकियां, राज्य सरकार और प्रशासन अपनी भूमिका तय करे। कोरोना से लड़ाई में CBSE ने शुरू किया यंग वॉरियर अभियान। बोर्ड का लक्ष्य 50 लाख युवाओं को जोड़ना। 10 से 30 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षक छात्र ले सकते हैं हिस्सा। गेट परीक्षा के लिए अब निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग, कोटा। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर तो है लेकिन शिक्षक नहीं। सोशल मीडिया में शुक्रवार को दिन भर ट्रेंड करता रहा राजस्थान कंप्यूटर बेरोजगार दिवस। जल्द कंप्यूटर शिक्षक भर्ती करने की मांग, सरकार ने बजट में की थी घोषणा।
पुस्तक विक्रेताओं ने कहा सरकार छूट दे तो ऑनलाइन सप्लाई करेंगे कॉपी किताबें। जोधपुर, स्टूडेंट टेंशन में कह रहे हैं 12वीं की परीक्षा में देरी का कॉलेज की पढ़ाई पर करेगा पड़ेगा असर, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर परिणाम। बैंकिंग सेक्टर में बनाए अपना कैरियर, क्लर्क समेत अनेक पदों पर निकलती रहती हैं नौकरियां। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, औद्योगिक सुरक्षा में कैरियर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 से जुड़ा मामला, आरक्षित अभ्यर्थी को नहीं दी शारीरिक परीक्षा में उम्र की छूट, उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। पॉलिटेक्निक शिक्षा ऐप का लोकार्पण जयपुर। सौर ऊर्जा में रोजगार के नए अवसर, एक सप्ताह में दोगुनी हुई बेरोजगारी दर, नई दिल्ली। CSEET में बड़ाला के विद्यार्थियों ने हासिल की सफलता, नेहा के 163 अंक, उदयपुर। पॉलिटेक्निक के छात्र अब ऐप से करेंगे पढ़ाई। CBSE बोर्ड स्कूल ले सकेंगे कंपार्टमेंट परीक्षा, जोधपुर। गेट परीक्षा के लिए अब निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग। ट्रैक्यूब में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की अनूठी पहल, एक माह में 8,000 से अधिक इंजीनियरिंग विद्यार्थी इससे जुड़े। आयरलैंड में करें नर्सिंग कोर्स। IIM बेंगलुरु और कलकत्ता का फाइनल परिणाम घोषित। GNM के परीक्षा परिणाम जारी नहीं करने पर नर्सिंग काउंसिल के घेराव की चेतावनी, रजिस्ट्रार के नाम सौंपा ज्ञापन, जयपुर। ऑनलाइन पढ़ाए गए कोर्स की परीक्षा भी होगी ऑनलाइन। UGC की उच्च स्तरीय कमेटी ने तैयार किया ड्राफ्ट, विश्वविद्यालयों से मांगे गए सुझाव। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए होगी लिखित परीक्षा। सोफिया कॉलेज प्रदेश भर में दूसरे स्थान पर, एजुकेशन वर्ल्ड कॉलेज सर्वेक्षण रिपोर्ट। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बोर्ड कराएगा निबंध प्रतियोगिता, इच्छुक विद्यार्थी 20 जून तक बोर्ड को ईमेल पर भेज सकेंगे अपना आवेदन। ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी, अपडेट करने की अंतिम तिथि आज, अजमेर। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी की जयंती पर विनम्र अभिवादन। इसी के साथ आज के शिक्षा जगत के समाचार हुए समाप्त। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आप शिक्षा विभाग की नवीनतम अपडेट से जुड़े रहें।